विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है, क्रिसमस और न्यू ईयर भी आने वाला है, तो ऐसे में सभी का मन करता है कुछ मीठा खाने का और बनाने का। तो आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं, इसे खाकर सच में आप इसके फ्लेवर को कभी नहीं भूलेंगे, ये मैं गारंटी देती हूँ। तो आज हम ये बनाएंगे बहुत ही कम सामान के साथ और बहुत ही इजी वे में। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। गैस पे रख दिया है सबसे पहले पैन, और उसमें ऐड कर दूंगी मैं यहाँ पर 1 लीटर के करीब मिल्क। ये फुल क्रीम मिल्क है, आप जैसा मिल्क चाहें आप वैसा ले सकते हैं, और जितनी क्वांटिटी में बना रहे हो आप उतना मिल्क के साथ इसे बना सकते हैं। तो मिल्क मैंने गैस पे रख दिया है, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ मीठे के लिए शुगर। तो शुगर की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 3 बड़े चम्मच ऐड की है शुगर, ये देखिए, क्योंकि जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं उसमें इतना शुगर इनफ रहेगा, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो ये मैंने डाल दिया है शुगर, और उसके बाद अच्छे से हम मिल्क को मिक्स के कर देंगे शुगर के साथ, ये देखिए इस तरीके से। और फ्लेम को आप हाई रखना है, पर इसे बराबर थोड़ी देर आपको चलाते रहना पड़ेगा। साथ ही मैं ऐड किया है मैंने यहाँ पर थोड़ा सा, मैंने कूट कर यानी क्रश करके ग्रीन वाली कार्डिमम इलायची ऐड की है, आप चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं। मेरे पास आज पाउडर नहीं था तो मैंने इलायची लेकर उसे कूट कर हल्का दरदरा करके इसमें ऐड कर दिया है। इससे बहुत ही अच्छा खुशबू और फ्लेवर आता है। तो ये मैंने डाल दिया है, अब इसे थोड़ी देर हम पकने को छोड़ेंगे दूध को, ताकि ये अच्छे से पक जाए और थोड़ा गाढ़ा भी हो जाए। तो ये देखिए अच्छे से पक रहा है, साइडों से स्क्रैचेस करते हुए निकालते हुए इसे हम पका लेंगे दूध को। ये देखिए जब तक दूध पक रहा है हम तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक बॉल, और उसमें ऐड करूँगी मैं 3 टेबल स्पून ये वनीला फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर है। आपको जो फ्लेवर पसंद हो आप वो ले सकते हैं, पर इसमें बनाएंगे तो बेस्ट बनेगी ये रेसिपी। साथ ही मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा मिल्क, और इसे हम एक स्लरी टाइप बना लेंगे। आप चाहें तो मिल्क की बजाय इसे वाटर से भी घोल सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से हम इसको घोल के तैयार कर लेंगे। बहुत ही इजी है रेसिपी बनाना, और आप कई दिनों तक इसका स्वाद आपको फील होगा, इतनी अच्छी लगती है ये खाने में। तो ये मैंने इसको अच्छे से घोल दिया है, अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो दूध हमारा अच्छे से पक रहा है, पक पक के देखिए अच्छे से गाढ़ा हो गया है। कम से कम इसे रखे हुए मुझे 5 मिनट के करीब हो गए होंगे, तो आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हुआ है। तो जो हमने ये स्लरी बना के रखी थी ना कस्टर्ड घोल के, उसे धीरे धीरे करके हम दूध में मिक्स कर देंगे। तो आपको धीरे धीरे डालना है एक हाथ से और दूसरे से मिक्स करते हुए जाना है, ताकि कोई लम्स वगैरह ना पड़े। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर वनीला एसेंस, ये आप ज़रूर डालें, इससे बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। तो मैंने 2 ड्रॉप्स डाल दिए हैं, और इसे फटाफट से कर देंगे मिक्स, ये देखिए इस तरीके से। आपको जो ये कस्टर्ड मिल्क बनाना है उसे आपको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, थोड़ा पतला ही रखना है। अभी मैंने ऐड किए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, काजू पिस्ता बादाम मैंने ऐड कर दिया है, आप चाहें तो डाल लें वरना आप स्किप भी कर सकते हैं यहाँ पर, या आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। तो ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा ये कस्टर्ड मिल्क बिल्कुल रेडी हो चुका है बनकर। ये देखिए आपको इतना गाढ़ा बनाना है, बिल्कुल भी ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, जिससे जमने वाली फॉर्म में आ जाए उतना नहीं पकाना है, आपको थोड़ा लूज रखना है इसको। तो ये बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये बनाने हमें 2 से 2.5 मिनट के करीब लगे हैं। अब गैस का फ्लेम ऑफ करके मैं इसे ठंडा होने छोड़ दूंगी, तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं ये ब्रेड के स्लाइसेस, तो साइड्स हम निकाल देंगे इसकी, ये देखिए इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर 4 स्लाइसेस लिए हैं ब्रेड के, तो ब्रेड के जो साइड के किनारे हैं उन्हें फेंके नहीं, इनसे हम ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बॉल, और इस बॉल में हम यहाँ पर डालेंगे मलाई, यानी कि घर के जो दूध पे आती है ना ऊपर मलाई, वो मैंने 2 टेबल स्पून के करीब ले लिया है, ये देखिए कितना गाढ़ी है। इससे हमारी जो हम ये स्वीट बना रहे हैं बहुत ही यम्मी फ्लेवर आएगा खाने में,
और बहुत ही एकदम क्रीमी क्रीमी टेक्सचर लगेगा उसका। तो साथ ही में मैं ऐड कर दूंगी इसमें शुगर 1 टेबल स्पून, ताकि ये खाने में फीका ना लगे, अंदर से मीठा लगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मलाई के साथ शुगर को। ये देखें मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर हम यहाँ एक एक ब्रेड स्लाइसेस लेंगे और उसके ऊपर हम ये मलाई वाला जो हमने मिक्सचर रेडी किया है उसे इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ। तो आप चारों तरफ अच्छे से लगाएं, कहीं पे भी बिल्कुल ना बचे। ये देखिए इस तरीके से दिखा रही हूँ मैं, इसी तरीके से आपको इस पर स्प्रेड कर देना है। बहुत ही इजी रेसिपी है और खाने में बहुत ही यम लगती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको खा के मज़ा आ जाएगा। इतनी यम्मी ये रेसिपी है और बन भी बहुत जल्दी जाती है, आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनाने में। तो ये देखिए एक ब्रेड पे मैंने लगा दिया है ये, और इस तरीके से इसे नीचे रख के उसके ऊपर दूसरा ब्रेड हम स्टिक कर देंगे। ये देखिए, तो इसी तरीके से मैं दूसरा ब्रेड भी रेडी कर लूँगी बनाकर यहाँ पर। यहाँ मैं एक ब्रेड लेना भूल गई थी, तो उसे मैं दूसरा उसके कट करके सेम बना लूँगी इसी तरीके से जैसे हमने ये फर्स्ट वाला ब्रेड बनाया है। तो इस पे मलाई लगाना ऑप्शनल नहीं है, आप इसे ज़रूर लगाएं, इससे बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आता है। आप चाहे तो इसमें कोई फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। तो इस तरीके से हम इसे ट्रायंगल में काट के छोटे छोटे ये ट्रायंगल्स रेडी कर लेंगे। एक ब्रेड से हमारे ये 4 निकल जाएंगे। ये देखिए इस तरह, तो आप इसी शेप से काटेंगे तो बहुत अच्छी लगती है देखने में हमारी ये स्वीट। तो एक दूसरे बाउल में मैंने लिया है यहाँ पर मिल्क, और मिल्क में आप चाहें तो यहाँ पर कोई फ्लेवर डाल लें या विदाउट, ऐसे ही आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी है ताकि बिल्कुल भी फीका ना लगे, एकदम स्वीटनेस हमारी बराबर रहे। तो इसको अच्छे से कर देंगे दूध के साथ मिक्स। ये देखिए, तो ये मैंने मिक्स कर दिया है इसे। तो अब चलते हैं हमारी रेसिपी के फाइनल टच की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले लिया है, आप जो चाहें वो बर्तन ले सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने ब्रेड रखा है ना ये बनाकर, इसको इस तरीके से लेंगे और इस मिल्क में डिप करेंगे अच्छे से। ये देखिए, आपको छोड़ना नहीं है मिल्क के साथ, फटाफट से डिप करके आप इस प्लेट में रखते जाएं इस तरीके से। ये देखिए एक एक ब्रेड की जो हमने स्लाइस रेडी की है ये ट्रायंगल, उसको इस तरीके से लें और बराबर से इसको डिप करते हुए हम इस तरीके से प्लेट में लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने फटाफट से सारे जो ट्रायंगल उन्हें मिल्क में डिप करके मैंने प्लेट में लगा दिया है बराबर से। ये देखिए मैंने अच्छे से डेकोरेट कर दिया है इसे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा ये जो हमने कस्टर्ड फ्लेवर का मिल्क बना के रेडी करके रखा था, ये अच्छे से कूल हो चुका है। जब कूल हो जाए आप तभी इसका यूज़ करें तो बहुत ही बेटर रिजल्ट आएंगे। तो मैंने फटाफट से पूरी प्लेट में पोर कर दिया है ये कस्टर्ड का मिल्क। तो ये देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, एकदम अमेजिंग। और ऊपर से इसे डेकोरेट कर देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ, ये ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहते हैं तो आप डाल लें, आप इसके बिना भी खा सकते हैं, तभी भी ये उतना ही अमेजिंग और यम्मी लगता है खाने में। तो मैंने अच्छे से डेकोरेट कर दिया है और ऊपर से लगा दूंगी थोड़े से केसर के स्टैम्प्स ताकि देखने में भी अच्छा लगे ये। तो ये लीजिए बन के तैयार है हमारे ये ब्रेड की फटाफट वाली मिठाई, जो कि आप घर में रखे सामान से बना के खा सकते हैं। तो इस क्रिसमस पे या न्यू ईयर पे आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपके बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगी ये, इतनी यम्मी ये लगती है। तो देखें मैं आपको एक उठाकर दिखाती हूँ स्लाइस, कितना क्रीमी इसका टेक्स्चर है और कितना अमेजिंग बना है ये, आप देख सकते हैं कलर भी और टेक्स्चर भी। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मैं मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप इसे इंजॉय कीजिए। बाय बाय एवरीवन।